लाडवा उपमंडल कार्यालय के अंदर लाडवा एसडीएम अनिल यादव ने लाडवा के अलग अलग विभागों के सभी अधिकारियों की 17 फरवरी बस अड्डे के अंदर होने वाले तीसरे राहगीरी कार्यक्रम को लेकर एक बैठक ली, जिसमें लाडवा के लगभग सभी कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। लाडवा एसडीएम अनिल यादव ने कहा कि 17 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बस अड्डे के अंदर तीसरी राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर शहर की धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं भी भाग लेंगी और कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। इस अवसर पर लाडवा तहसीलदार हरीश कालड़ा, खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बलवंत राय, अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विमलेश सहित अनेक अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। हाँ सर, जो 17 फरवरी को लाडवा बस अड्डे के अंदर एक तीसरी लाडवा के अंदर राहगीरी होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है सर? इसके बारे में स्पष्ट है, जैसा आपको भी बताया है, 17 फरवरी 2019 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में हम बस अड्डे लाडवा के अंदर एक राहगीरी का आयोजन करने वाले हैं, जो इस सीरीज में लाडवा में तीसरी होगी। इस सब डिविजन लेवल पे राहगीरी करवाने की प्रथा हमने ही चालू की थी सबसे पहले जब यहाँ पे कराई गई थी, और इस बार हमने स्थान का चयन बस अड्डा लाडवा को किया है ताकि वहाँ पे भी साफ सफाई हो और वहाँ के बारे में भी लोगों के मन में जानकारी वहाँ के बारे में जाए, ज्ञानवर्धन हो, और सफाई व्यवस्था भी वहाँ की दुरुस्त हो, इसलिए वो किया है। अगर बारिश वगैरह का कुछ व्यवधान आता है इस पूरी प्रक्रिया में तो हमारा ये वाला इशू यहाँ का क्लियर रहेगा, इस जगह पे कराया जाएगा। अल्टरनेट साइट हमारी ये अनाज मंडी लाडवा रहेगी।